हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फाउंडेशन बाय गुंजन शर्मा. टुडे वी डिस्कस अबाउट द 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंड टॉपिक इज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. इन द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम Specifically, we discuss about the function of blood in today's class. बच्चों, function of bloods के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी thoroughly description तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हम point to point इसको note down करने की कोशिश करें या learn करने की कोशिश करें तो उसी form में मैंने आपके लिए notes तैयार किए हैं. तो जो blood का function है, जो first function होगा, वो first function है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स. यानी जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स का. हॉर्मोन्स क्या हैं? हॉर्मोन्स लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं, और ब्लड इन सिक्रेशंस को इनके टारगेट जो भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक कैरी करता है. तो जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, टेस्टिस जो ग्लैंड हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ये सभी हार्मोन्स जो ट्रांसपोर्ट होंगे वो वाया ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे. सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपके मेनली अगर गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो गैसेस के अंदर ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर हम नाइट्रोजन जो अमीनो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें तो यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही कहलाते हैं. तो इनका भी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड के थ्रू किया जाता है. थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज. जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के जो बीच में ब्रीथिंग की प्रोसेस या एक्सचेंज जो हो रहा है वो भी ब्लड के थ्रू किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड लिपिड, फैट, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ब्लड के थ्रू होगा. मेंटेनेंस ऑफ पीएच, हमारी बॉडी में एसिड बेस के जो बैलेंस को मेंटेन करने का काम कर रहा है वो पर्टिकुलर ब्लड ही कर रहा है. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है, आपको पता है कि टेम्परेचर एनर्जी के थ्रू कंट्रोल होगा, एनर्जी रेस्पिरेशन से लिबरेट होगी, तो एनर्जी को भी आगे से आगे ट्रांसपोर्ट करने का या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ब्लड ही करता है. वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना होगा, प्लाज्मा कितनी होगी और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होंगे, ये सारे जो वॉल्यूम का कॉम्पोजिशन डिसाइड किया जाता है उसमें भी ब्लड अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, आपको पता है मैंने पिछले प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट WBC विच इज आल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स एक्ट एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. सोल्जर्स यानी सैनिक, जो बॉडी की पैथोजन से प्रोटेक्शन करते हैं. इट मीन वे डिजीज से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. तो ब्लड का नेक्स्ट जो वर्क होगा वो होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेज. लास्ट इसका जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये कि अगर हमारे बॉडी के ऊपर कोई जनरल सा नॉर्मल सा वुंड या इंजरी हो जाए तो कंटिन्यूस में ब्लड बहता है और कुछ समय के बाद वो ब्लड बहना रुक जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग. तो ये जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग, ये भी ब्लड के थ्रू की जाती है, क्योंकि इसमें इस प्रोसेस में ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लेटलेट, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं. तो पहला तो फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन, GIT की फॉर्म होगी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रो यानी स्टोमक, इंटेस्टिनल यानी इंटेस्टाइन, ट्रैक्ट यानी रास्ता. जो स्टोमक और इंटेस्टाइन का जो रास्ता है वहां से ब्लड ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करके कैरी करता है बॉडी तक. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड प्लाज्मा से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है, और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड सेल्स में डिफ्यूज हो जाती है. और थर्ड, यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन की बात की जाए, गैस एक्सचेंज कैपिलरीज और कैपिलरीज के थ्रू पूरी के पूरी बॉडी पार्ट्स में की जाए तो ये भी किसके थ्रू होगा, ये भी ब्लड्स के थ्रू होगा.
नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें क्लॉटिंग की, तो क्लॉटिंग में ये देखें यहाँ पे हमने एक वुंड क्रिएट किया, वुंड में से आरबीसी बाहर की तरफ लिबरेट हो रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिबरेट होने का काम चल रहा था एक फाइब्रिन नामक कंपाउंड आया, फाइब्रिन ने यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया और इसमें आरबीसीज एंटेंगल हो गई और एक यहाँ पर प्लग लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं क्लॉट, और इस तरीके की मैकेनिज्म बनने के कारण ये मैकेनिज्म कहलाती है क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में एट द साइट ऑफ इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स द प्लेटलेट्स इंड्यूस ब्लड कोएगुलेशन, जहाँ हमारे इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, वहाँ पर प्लेटलेट्स पहुँचकर इंड्यूस करती हैं ब्लड कोएगुलेशन को, कोएगुलेशन का मतलब जमना, ब्लड के जमाव को, थ्रू द रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसा वो किसकी सहायता से करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से, इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से। थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंजेस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इंटू थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, हमारी ब्लड प्लाज्मा में हमेशा प्रोथ्रोम्बिन रहता है इनएक्टिव कंडीशन में, उस प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट करेगा और वो एक्टिव कंडीशन होती है थ्रोम्बिन। यानी आपको याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किसकी सहायता से होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ पर होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके होता है प्लेटलेट्स के अंदर। थ्रोम्बिन कन्वर्ट सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इंटू इनसोल्यूबल फाइब्रीन, और जैसे ही ये थ्रोम्बिन बनेगा ये आगे जाकर सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनसोल्यूबल फाइब्रीन में, और इनसोल्यूबल फाइब्रीन फ्रॉम नेटवर्क इन विच आरबीसीज आर ट्रैप्ड, और इनसोल्यूबल फाइब्रीन जो होंगे वो फॉर्म करेंगे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को, और उसमें आरबीसीज क्या हो जाएंगी, ट्रैप्ड कर ली जाएंगी और वो आगे से आगे फ्लो नहीं करेंगी, और इस तरीके से ब्लड का जो भी कोई लॉस होगा उसको रोका जा सकेगा। एंड ब्लड प्लेटलेट फॉर्म अ क्लॉट ओवर द इंजर्ड एरिया, और इस तरीके से वो इंजर्ड एरिया पे एक क्लॉट यानी कि एक प्लग बना लेंगी, क्लॉट को आप यहाँ पर प्लग के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि एक पूरा हिस्सा बना लेंगी। दिस प्रोसेस यूजुअली कंप्लीटेड इन 2 to 3 मिनट, ये और ये पूरी प्रोसेस जो होगी वो 2 to 3 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आउटलाइन डायग्राम बनाया जहाँ से कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिव स्टेज। जब किसी भी एंजाइम की इनएक्टिव स्टेट के बारे में बात करते हैं तो उस एंजाइम के नाम के आगे प्रो लगा दिया जाता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी इनएक्टिव कंडीशन में है। जैसे ही इसकी रिएक्शन कैल्शियम आयन्स के साथ में होगी, Ca++ के साथ होगी, वैसे ही ये एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट होगा और वो एक्टिव कंडीशन होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन खुद कैल्शियम के साथ में मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन खुद जाकर फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करवाएगा फाइब्रीन में। फाइब्रीन के जो ये पॉलीमर्स हैं ये जाकर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लॉट बनाएंगे, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के पार्टिकल्स एंटेंगल, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे और ब्लड का बहना रुक जाएगा, और इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले एंटीजन ए, एंटीजन बी और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन की डेफिनेशंस की बात की जाए तो एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में ग्लूकोज होता है, थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोटीन होता है, और ये ग्लूकोज और प्रोटीन आपस मिलकर एंटीजन का निर्माण करते हैं। और ये एंटीजन जो होता है जो एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसीज, और ये हमेशा आरबीसीज के सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। फॉर ईच एंटीजन देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, और आपने पहले भी 9 लॉक एंड की थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर एक सब्सट्रेट के लिए पर्टिकुलर एक एंजाइम होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर उसकी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। जैसे कि लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है, एंटीजन के लिए भी पर्टिकुलर एक एंटीबॉडी होती है। तो हमारी बॉडी में 2 एंटीजन हैं तो एंटीबॉडी भी 2 होंगी, और उनका नाम होगा एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, और ये प्रेजेंट होंगी ब्लड प्लाज्मा में। ध्यान दीजिएगा एंटीजन तो हैं आरबीसी के ऊपर और एंटीबॉडी हैं प्लाज्मा के अंदर। देर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी। अब ये एंटीजन प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं इसके बेस के ऊपर डिपेंड करके हमारा ब्लड ग्रुप कितने टाइप में डिवाइड हो गया, 4 टाइप्स में। तो वो 4 टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट है ए, सेकेंड है बी, थर्ड है ए बी, फोर है ओ।
जिसमें ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि ओ अपने ब्लड को किसी भी इंडिविजुअल को डोनेट कर सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी भी इंडिविजुअल से निसंकोच होकर ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको जो ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी शो की है, जैसे ब्लड ग्रुप ओ है तो ये सभी ग्रुप्स को क्या कर सकता है, ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, बट रिसीव किससे करेगा, ओ नेगेटिव, ओनली ओ नेगेटिव से। इसी से एक तरह ओ पॉजिटिव दे तो सभी को सकता है, जिसमें ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, लेकिन ये ले किस किस से सकता है, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से। ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, ले सकता है ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से। ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को दे सकता है और ले किस किस से सकता है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव से। बी नेगेटिव, बी नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बट ले किस किस से सकता है, ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव से। इसी तरीके से बी पॉजिटिव दे तो सकता है बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को, बट ले किस किस से सकता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ले किस से सकता है, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव सबसे दे तो किसको सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को, और ले किससे सकता है, सभी से। तो ये जो है ब्लड कंपैटिबिलिटी चार्ट है, इसको आप नोट डाउन करके लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कॉम्पिटिशन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें बताए गए इन्फॉर्मेशन, आपकी जो जानकारी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या कहीं ना कहीं पर आपके लिए लाभदायक साबित है, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और घर